और जीतेंगे 1.5 करोड़ रुपया ना, ठीक है दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज हम लोग आ चुके हैं ये जिनका लॉटरी लगा है 1.5 करोड़ का, लॉटरी नहीं फ्रेंड्स, जो ड्रीम 11 में जीत चुके हैं 1.5 करोड़ रुपये, उसी से मिलने आए हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, उनसे मिलते हैं कि उतना पैसे का करेंगे क्या और क्या करेंगे, उनसे जानते हैं। मेरे साथ है मेरे मित्र विनय साहू जी, इनका वीडियो आपने देखा होगा हमारे चैनल में, अपना फिटनेस क्लब में, दोनों भाई ने खूब धूम मचाया था। ये इनका ऑफिस है फ्रेंड्स, यहीं वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं यहीं पे। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं कोमड़ो बस्ती, क्योंकि उनका वही घर है फ्रेंड्स। आइए उनका घर दिखाते हैं। हम लोग उनके कार्यालय में आए थे, कार्यालय में वो है नहीं, अभी वो लंच में चले गए हैं, लंच करने के लिए अपने घर। हेलो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं कोमड़ो बस्ती, आइए यहाँ पे देखते हैं महादेव का घर कौन है, आइए ढूंढते हैं। ये नहीं है विनय, ये वाला घर है? नहीं है, आगे है। आगे है, वो हिंदी नहीं जानती है मेरी माँ। हाँ। अरे कोई बात नहीं, जैसे भी छोटा मोटा चलता है। और ये है, हम लोग ड्रीम इलेवन खेलेंगे, हम लोग ड्रीम इलेवन खेलेंगे और जीतेंगे 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा इधर आ जाए साइड में, दोनों खेलता हूँ, ड्रीम इलेवन भी एक एक टीम लगा है। अच्छा, सिखाना यार हम लोग कैसे खेलते हैं। अरे 15 मिनट का टाइम था, उसी में तो लगा था, लग के चांस था। हां, लग कर रहा था, नहीं चांस की हो गया पहले। हां हां, पहले से ही मतलब गंवाते गया हूं तब जाके हुआ है। अच्छा, मैं 2019 से खेलते खेलते थोड़ा सा अनुभव हो गया, तो उससे कहा कि थोड़ा सा क्या है, कौन खिलाड़ी मैं भी खेलता था, एक दो बार हारा फिर मटिया दिया, मैं तो हटा ही दिया। हां हां, ऐसे होता है। लग का है, लग का है। क्योंकि आज तक मैं छत्तीसगढ़ कभी नहीं देखा था, लेकिन ड्रीम इलेवन पे तो आज तक छत्तीसगढ़ एक बार पिछले आईपीएल में को जीते थे। जसपुर से 10 लाख जीता था ना। हाँ, पर एक भारी अमाउंट नहीं जीत पाए, बाकी जीते हैं जसपुर से भी। बीच में कोई 10 लाख का जीता था, बीच में मेरा दोस्त भी मैसर कल पे 17,000 जीता था। अच्छा, बाकी हम लोग का कहना यही है कि पैसा बच्चे काम यूज करना। हाँ, बस ना, घर बनाओ बढ़िया से, गाड़ी लो चाहे। हाँ, घर तो इतना कोई तो बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे कि नौकरी छोड़ दिया यार, घूमने फिरने गया। नौकरी मेरा पेट है, मैं क्या नौकरी छोड़ना, मत वही मेरा जिंदगी है, ये तो आया और गया, वो पैसा आया और गया, कोई मतलब का नहीं है। बाकी लोग बाग अफवाह उड़ा रहे हैं कि पैसा पूरा नहीं है, कहाँ नौकरी चाकरी करेगा, अभी पूरा जिंदगी भर कमा लिया करके। भले मेरा नौकरी का पैसा उतना ना हो, जिंदगी भर का कमाई उतना ना पहुँचे, लेकिन भी नौकरी से पेट चलता है मेरा, उसको मैं छोड़ूंगा। चलिए ठीक है, चलते हैं ना, ब्रेक ब्रेक चलिए। ये है महादेव जी का घर, अभी अभी बना है, मतलब पहले से बना है, लॉटरी तो अभी लगा है, जीते तो अभी है, तैयार नहीं कर पाया हूँ राशि के भाव में। अच्छा, अभी राशि मिल गया तो सबसे पहले घर बनाएंगे क्या महादेव जी? बनवाऊंगा तो नहीं, इसी को मरम्मत करवाऊंगा। अच्छा अच्छा, घर तो बढ़िया है।
दो चार परिवार के इतना काफी है। हाँ हाँ क्या है देखो बालू है ना। ओके ये भाई लोग आए हैं कुनकुरी से, ये देखिए ड्रोन कैमरा लेके आ रहे हैं, आए हैं ये देखिए ड्रोन कैमरा, ड्रोन कैमरा से शूटिंग कर रहे लोग। थैंक्स भैया और एक बार आने के लिए। जी 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 बेस्ट लक। ओके चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं धमाकेदार जसपुर एरिया से। धन्यवाद भाई, जसपुर जिला के बहुत ही तगड़ा वाला वीडियो लेकर आए हैं ये भाई लोग। कुनकुरी से आए हैं यहाँ पे, जिनका ड्रीम सर्कल 11 में जो 1.5 करोड़ जीते हैं उनसे मिलने आए थे, इन्हीं से मेरी मुलाकात हुई इनसे। अभी ड्रोन उड़ाएंगे, घर पूरा दिखाएंगे इनका एरिया पूरा। ओ ड्रोन से करेंगे? हाँ। ओके आप कब से यूट्यूब कर रहे हैं? मैं यूट्यूब अभी लगभग आपका 2020 से कर रहे हैं। मैं ज्वाइनिंग तो 2016 में किया था, लेकिन ना अच्छा मैं उसमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा काम भी करते हैं ऐसा करके। अच्छा। तो अभी मैं फिलहाल 2020 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद मैं 2021 स्टार्टिंग में लगभग अपना यूट्यूब करियर ज्वाइन कर लिया और मैं अभी यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा रोज दिन में आप लोग के लिए वीडियो वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दशरथ डैस, दशरथ डैस DASHDASHRATHDES। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, जरूर जरूर देना पड़ेगा। आज के समय देखोगे डेयरी में जाकर काम कर रहे हैं, खुद का डेयरी चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई मतलब नहीं हो करोड़पति बनने का उसका, उसी को सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, जहाँ भी कीजिएगा किसी के बहकावा मत आइए। हाँ। मेरे को लगता है सब ऊपर वाले की लीला रहती है, समझा? सबको लक की बात है, लक मतलब भगवान, समझा? भगवान की मर्जी से ही होता है सब, इसीलिए जो भी 15 मिनट टाइम मिला होगा, टीम बदले या ना बदले, अब आपका मन कर भी रहा होगा कि बदल दे, लेकिन अब ना बदले हो, नहीं बदला हो, जैसे जो लग गया। मैं बोला भी मेरे दोस्त को, बगल में ये लड़का भी खेलता है, उनको बोला कि अरे यार जो लगा से लगा, ज्यादा मत ध्यान दे, अभी कुआं और साफ सफाई करना है, उसमें लग जाते हैं करके वैसे ही लगा के फिर चल दिए। अच्छा। उसको मैं देखा भी नहीं, सीधा शाम को देखा, 6 ओवर बाकी था तब मैं देखा, फिर मेरा तो फिर सोचने लगा कि अरे यार अब कैसा होगा, कैसा होगा मतलब फर्स्ट आ पाऊंगा या फिर और नीचे चला जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि ये एक प्लेयर के लिए इधर उधर हो जाता है तो फिर सब पलट जाता है, फिर क्या हेक्जर पटेल और ललित यादव थे शायद, तो उन लोगों ने मतलब आखिरी तक आउट नहीं हुआ और दोनों को मिल हुआ था, इसलिए मैं नीचे वाले से 2 पॉइंट के मतलब आगे चल रहा था। 416 था, 416.5 था उनका, 414 कुछ ऐसा था, फिर मैं आगे आ गया। अच्छा वैसा ही है, अब किस्मत का बात है, अगर आप उस समय अगर चेंज कर देते तो क्या मतलब। हाँ उस समय फिर गया रहता। हाँ अब भगवान की लीला ही समझो जो आप। हाँ बस हाँ, जिंदगी भर आदमी खेलते हैं लेकिन लग नहीं पाता है। भी सोचा होगा पापा हार्ट पेशेंट थे, मैं भी उससे बीमारी था, लंबे समय से बीमारी और घर उर बनवा दिया, फिर उसके बाद से मेरा बजट ऐसा खराब हुआ ना, पापा का भी उससे हार्ट का प्रॉब्लम था। हाँ रांची उचे लिया था, अभी ठीक है, 1 साल 1.5 साल दवाई चला, उसके बाद अभी पापा को अच्छे से न्यूट्रिशन दो, खान पान अच्छे से दो, प्रोटीन पाउडर न्यूट्रिशन वगैरह मल्टीविटामिन वगैरह सब, बाकी कुछ भी संबंध में जानकारी करवाइए, पैसा आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। घर और तो जो है सो यही है, किसी के बहकावा में मत आइएगा कि इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, बाकी मरम्मत करना पड़ेगा, उसके अलावा को
क्योंकि बोला जाता है ना चार दिन का चांदनी फिर अंधेरे रात। हाँ, बस बस बार बार ऐसे मौका नहीं मिलता है। हाँ। बार बार जीतते भी नहीं आदमी। किसी को बहकाओ मत आइएगा, बाकी दोबारा जीते हो तो अच्छी बात है, लेकिन लेकिन लाइफ में हम तो दुआ ही करते हैं कि आप जीतो। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं 17 से ही आप खेल रहे हैं तो मतलब आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, इसमें एक्सपीरियंस हो गया होगा। हम तो चाहते हैं आप और जीते, ऐसे मनोरंजन लगाऊंगा, लेकिन मनोरंजन के साधन पर लगाऊंगा, एक दो टीम ही लगाऊंगा, ज्यादा तो नहीं लगाऊंगा। और पहले भी मैं वही ज्यादा लालच मत कीजिएगा कि एक टीम दो टीम में ज्यादा अमाउंट घुसा दूं, नॉर्मल ही चलने दीजिएगा। जी जी, वही ड्रीम इलेवन पे और माई सर्कल पे दो ही ऐप पे खेलता हूँ और वही एक एक टीम ही डालता हूँ और उससे ज्यादा नहीं डालूंगा। और क्या है कि इससे पहले भी वही था, और ऑफिस टाइम में तो टाइम नहीं मिलता है कि दिन भर आप एनालिसिस करो या देखो या तो या करो, कभी कभी छुट्टी में टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं। और वो भी यहाँ नेटवर्क का सुविधा नहीं है। हाँ। नेटवर्क में निकल के जाना पड़ता है, आधा घंटा टाइम रहा उस समय देखूंगा कि आधा घंटा वहाँ टाइम है तब जाऊंगा। हाँ। क्योंकि जब तक नेटवर्क है पूरा एनालिसिस नहीं कर सकता। हाँ। यहाँ टीवी भी मेरा लोकल चैनल चलता है, इसलिए मैं ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं देखता, मैं जानता भी नहीं कि कौन कहाँ पे कितना समय में खेलता है। हाँ। कैसे मारता है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्या है कि 2019 से खेल रहा हूँ तो इतना एनालिसिस हो गया है कि ये मतलब ये खिलाड़ी अच्छे हैं, ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ये ऐसा है वैसा है करके मैं बना लेता हूँ टीम, बस यही है। चलिए ठीक है, फिर माधु जी मिलते हैं जी जी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ब्लॉग में, हम लोग को भी प्यार दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मजा आया आपसे मिलके, आपको वही सादगी है करोड़पति बनने के बाद भी, और मत बदलिएगा पैसा आ गया तो, बदलना नहीं है वही वही हूँ मैं। हाँ ठीक ठीक है, धन्यवाद जी। विवेक भाई कैसे लगा वो करोड़पति से मिलके? वैसे तो उनका बातचीत करने का तरीका जो था एकदम शांत स्वभाव के आदमी है, वैसे उनके में कोई परिवर्तन तो देखा नहीं गया कि अब इतना अचानक से करोड़पति बने हैं तो उनका कोई हाव भाव चेंज हुआ हो, वैसे तो कुछ नहीं है, नॉर्मली बातचीत की है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे घर में बुलाए हमको और नाश्ता वगैरह दिए, बातचीत नॉर्मल ही किए, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। अब देखिए 15 दिन बाद जाके उनका देखते हैं, पूछते हैं उनका हाव भाव क्या है, चेंज होता है या नहीं होता है, तो 15 दिन बाद जाके पता चल जाएगा। तो गाइज आज का वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। बाय।